नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज डिक्शनरी में। पूनम प्रसाद हमको कुछ कहती है, हम उसको कुछ कहें। बच्चा किडनी पेशेंट है, मैं दो बार इनके ऑफिस में गई, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। जनता हम पर गुस्सा निकालती है, लेकिन काम जिस अफसर को करना है, जो हरामखोरी कर रहा है, उसको लेकर के आए हैं और उसको सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि यहाँ से रिक्शे करने के लिए मेरे को गोद में उठाना पड़ता है, मेरी हालत खराब होती है। घटिया राजनीति ना जनता पसंद करती है, ना ऋतुराज झा पसंद करता है। हम काम की राजनीति पसंद करते हैं, काम करने के लिए। मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, तीन बार इनके ऑफिस से होके आई हूँ, अभी भी मैं उनके ऑफिस से होके आई हूँ। मेरे पास नंबर है, मैडम ने नंबर दिया, वो अभी नहीं आएंगे, कल आप बात करना। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से यहाँ पर वार्ड नंबर 44 की बात करें तो पार्षद महोदय कहती हैं कि विधायक टाल मटोल करते हैं। देखो, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कौन क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ की जनता परेशानी में है, जिल्लत की ज़िंदगी देख रही है। आज मैं यहाँ कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए, बाइट देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अनऑथराइज कॉलोनी का कमेटी का चेयरमैन हूँ और मैं सारे अफसरों के साथ आज यहाँ पर सुबह से दौरा कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर मैं भी जल भराव की स्थिति है, उसके पीछे का कारण क्या है। MCD कहती है कि इरिगेशन फ्लड नहीं कर रहा है, इरिगेशन फ्लड कहता है MCD नहीं कर रहा है। तो इसलिए आज सबको लेकर के आए, किसकी जिम्मेदारी है, किसको करने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इरिगेशन फ्लड को, इस सारा नाला साफ करके MCD को हैंडओवर करने की ज़रूरत है, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें कि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपना काम करे। यहाँ पर ब्लेम गेम नहीं चलना चाहिए। ये उसको ये कहता है, वो पूनम प्रसाद हमको कुछ कहती है, हम उसको कुछ कहें, ये अभी कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, जनता का काम करने आए। इस तरह की राजनीति मतलब कब तक चलते रहेगी? जो जनता है परेशान की घटिया राजनीति ना जनता पसंद करती है, ना ऋतुराज झा पसंद करता है। हम काम की राजनीति पसंद करते हैं, काम करने के लिए आए हैं, आज भी काम करने आए हैं। इस पानी का समाधान अगर 15 दिन में नहीं हुआ, तीन अफसरों के ऊपर में जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। और अभी आपको पता है कि सीवर लाइन डाल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल बना रहे हैं, सीवर पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, लेकिन उसका काम भी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है। तो पानी के वजह से आप बता रहे हैं जो भी यहाँ पर काम रुका हुआ है, वो सारी जड़ की मुसीबत ये पानी। इसीलिए उन अफसरों को लेकर क्या है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं। हम कौन हैं? हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हम पर गुस्सा निकालती है, लेकिन काम जिस अफसर को करना है, जो हरामखोरी कर रहा है, उसको लेकर क्या है और उसको सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ये काम जरूरी है। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं सर, एक साल हो गया, मेरा बच्चा किडनी पेशेंट है, मैं दो बार इनके ऑफिस में गई, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। आज कल रात को आपकी मेरी बात हुई थी 9 बजे, आपने मेरे को मॉर्निंग में वो बुलाया था, मैं वहीं ऑफिस से आई हूँ, आप नहीं मिले। दौरे पे थे आप, MLA ऑफिस आ जाओ, अभी चलेंगे। मेरी देखो, मेरी बात सुनो, मैं बात ये बोल रही हूँ, एक साल हो गया मेरा बेटा किडनी पेशेंट है, यहाँ से रिक्शे करने के लिए मेरे को गोद में उठाना पड़ता है, मेरी हालत खराब होती है। वहाँ दूसरी 70 फुट से जाऊँ तो मेरी हालत खराब है। मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, तीन बार इनके ऑफिस से होके आई हूँ, अभी भी मैं उनके ऑफिस से होके आई हूँ। मेरे पास नंबर है, मैडम ने नंबर दिया, वो अभी नहीं आएंगे, कल आप बात करना। मेरे बेटे की कोई सुनाई नहीं हो रही, मेरे बेटे का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और मैं प्राइवेट लगा के पैसे, हालत मेरी खराब हो चुकी है। एक इन्होंने लेटर लिख के देना है कि जहाँ मेरा काम हो। मैं इसी नाले से अभी गई हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले इन्होंने मेरे को 12 बजे बुलाया था ऑफिस, मिले नहीं, मैं वापिस आई हूँ, इसी नाले से गई हूँ अभी मैं। और मेरे को पता, मेरा बेटा बीमार है, मैं गोद में उसको कैसे ले लेके जाती हूँ? कोई गली ऐसी नहीं है जो बनी हो, जो हम एक कोई कन्वेंस अंदर आ सके। तो ये आप सहायता किनसे मांगना चाहती हैं? जो आपको मैं इन MLA से ये अगर एक लेटर लिख के दे दे, मेरे बेटे का प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो जाए, उसका ट्रांसप्लांट हो जाए। तीन बार ऑफिस, आज मैं चौथी बार आई हूँ, इन्होंने मेरे को बुलाया है लेकिन ऑफिस में नहीं थे। वो कह रही है पता नहीं कब आएंगे, मैडम ने मेरे को कहा, उन्होंने नंबर दिया मेरे को, वो तो मेरे को कुदरती आप लोग मिल गए, तो इन्होंने बोला कि वहाँ सर आए हुए हैं।